हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है। कॉलेज में पढ़ाई, देसी माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपने बच्चों के लिए इनका यही सबसे बड़ा सपना होता है और ये सपना आजकल बहुत सारे लोगों का पूरा भी हो रहा है। सरकारी आंकड़े हम देखें तो 2020-21 में भारत में लगभग 4 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला जिन्होंने ले रखा था। अगर आप 18 से 24 साल की आबादी जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की उम्र होती है उनका देखें तो ये लगभग 21% बनता है। ये किसी भी गरीब देश के लिए काफ़ी सम्मानजनक आंकड़ा है, खासकर भारत में जहाँ हम जानते हैं कि टॉप के 5-6% लोग ही ऐसे हैं जिनके हाथों में पैसा है, देश का ज़्यादातर आमदनी उनके पास ही है। अगर 20% से ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गरीब तबके से भी बहुत लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज एजुकेशन का फायदा क्या है? सभी माता पिता यही सोचते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई होगी तो बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, दुनिया में उनका नाम होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। लेकिन क्या सच में कॉलेज में पढ़ने से नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाता है? हाँ, बढ़ता है। इस वक्त ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले लोगों में 51% के पास काम है। वही जो लोग कॉलेज नहीं गए हैं उनमें से सिर्फ 36% लोगों के पास काम है। हाँ, आप कह सकते हैं कि 51% भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इनमें से बहुत अभी भी पढ़ रहे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, नौकरी नहीं चाहते होंगे। ग्रेजुएट जो है इनमें से बहुत सारी महिलाएँ भी हैं और हमारे देश में बहुत कम महिलाएँ घर के बाहर काम ढूंढती हैं। इस वक्त लगभग 10 करोड़ लोग हैं जिनके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री है पूरे भारत में। इनमें से 6 करोड़ 34 लाख काम ढूंढ रहे हैं या करना चाहते हैं। बाकी के जो लोग हैं उनको आप काम दो भी तो भी वो नहीं करेंगे। अब ये जो 6 करोड़ 34 लाख लोग हैं जो रोजगार चाहते हैं उनमें से सिर्फ 5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास काम है, यानी 1 करोड़ 27 लाख ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। इसका मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री धारियों में बेरोजगारी दर 22% है इस वक्त, 22%। उल्टी तरफ अगर हम ऐसे लोगों को देखें जो कॉलेज नहीं गए हैं लेकिन काम चाहते हैं, ऐसे लोगों में बेरोजगारी दर सिर्फ 11%। यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारियों में बेरोजगारी कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में 2 गुना है, डबल है। आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आप कह रहे थे कि जो कॉलेज में पढ़ा है उसकी नौकरी लगने की चांस ज्यादा है और अब आप कह रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री वालों में बेरोजगारी दर ज्यादा है। दोनों बातें सही हैं। इसका कारण है कि बेरोजगारी दर सिर्फ उन लोगों में नापा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है जो रोजगार चाहते हैं, उनमें नहीं जो काम करना ही नहीं चाहते। डिग्री वालों में 66% काम चाहते हैं जबकि जो कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनमें सिर्फ 40% रोजगार चाहते हैं। इसका कारण है कि कम पढ़े लिखे लोगों में से अधिकतर लोगों ने रोजगार मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले आशा रखते हैं कि उनको काम मिलेगा, लेकिन 22% को काम नहीं मिला इस वक्त। और ये जो डिग्री वालों में बेरोजगारी दर है ये लगातार बढ़ता रहा है। 2017-18 में ये लगभग 14% था, अगले साल बढ़कर 15.5% पर पहुंच गया, 2019-20 में और भी बढ़कर 16% से थोड़ा ज्यादा में पड़ गया, फिर 2020-21 में कोविड के चलते डिग्री वालों की बेरोजगारी दर लगभग 25% पहुंच गया। 21-22 में लॉकडाउन जब खुला तो थोड़ा गिरकर 22% हुआ और पिछले साल और भी गिरकर 20% पहुंच गया। ये फिर भी कोविड से पहले की तुलना में काफी ज्यादा है और इस साल के पहले 4 महीनों में फिर से 22% पर बेरोजगारी दर पहुंच गया। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। 1930 के दशक के शुरू में अमेरिका में लगभग इसी तरह की बेरोजगारी थी। उस समय को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बुरा वक्त था, लेकिन मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती है, बिल्कुल चुप है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो भी चुप हैं। हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, ठीक है, खेलते रहिए, देश का हाल ऐसा ही रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन तीनों दबा दीजिएगा। आप जानते हैं क्या होता है वो, कृपा आपकी बनी रहेगी।